आने वाला है मकर संक्रांति का त्यौहार और अब हम बनाएंगे तिलपट्टी, वो भी मेरी स्टाइल में कि मैं तिलपट्टी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने क्या, 2 कटोरी हमने गुड़ लिया है और 3 कटोरी हमने तिल लिया है। अब आप चाहे तो इसको बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, बट मुझे गुड़ थोड़ा कम पसंद आता है तो मुझे ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए होती है, इसलिए मैं 3 कटोरी, मेरे को तिल ज़्यादा अच्छे लगते हैं तिलपट्टी के अंदर, तो मैंने 3 कटोरी ली है। और अगर आप चाहें तो आप दोनों की बराबर बराबर क्वांटिटी ले सकते हैं। अब मैंने 2 इलायची ली है जिसको मैंने कूट लिया है। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने इलायची ली है और इसे अब मैं कूट रही हूँ। बस एक बार ये अच्छे से बारीक पाउडर बन जाए, बस हमें इतना ही इसे कूटना है। अब हम ले लेंगे कढ़ाई जिसमें ये हमने तिल डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम हीट के ऊपर अच्छे से पकाएंगे। अब इसके पकने का क्या मतलब क्या साइंस होते हैं इसके पकने के, वो होते हैं कि एक तो हल्का हो जाएगा, आप जब इसे हिला रहे हो तो जब शुरू में हिलाओगे और जब सिकने के बाद हिलाओगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, साथ ही इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी और ये चटकने लग जाएंगे। ना ये कम सिके हुए होने चाहिए ना ये ज़्यादा सिके हुए होने चाहिए, अगर ज़्यादा सिक जाते हैं तो ये थोड़े कड़वे लगने लगते हैं, तो हमें ज़्यादा भी सेकना है, बट हमें इसकी जब तक चटक चटक की आवाज़ ना आए और मतलब घर में खुशबू ना हो जाए तब तक हमें इसे सेकते रहना है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको इसको सेकने के लिए, पर आप मीडियम हीट ही रखें। अब इस पे चटकने की आवाज़ आने लग गई है तो अब हम इसे उतार देंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़ना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है इस टाइम पे, और जब हम कढ़ाई के अंदर ये तिल छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए तो ये नीचे से तिल जल जाएंगे। तो हमेशा एक प्लेट के अंदर ही आप तिल को निकाल लें। देन हम क्या करेंगे कि इन तिल को हम मिक्सी के जार में एक बार चलाएंगे, जो थोड़े से तिल को हल्का सा दरदरा सा हम पीस लेंगे तो उससे जो चिक्की होती है वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हल्का ठंडा होने देंगे एंड देन हाफ हाफ करके हम 2 बार में इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो बस हम इसे 2 से 3 सेकंड के लिए ही चलाएंगे, देन ये देखो ऐसी इस तरह का जो ये है ना ये पीस के तैयार हो जाएगा। देन हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। देन हम दूसरी बार फिर से इसे हल्का सा चलाएंगे ताकि ये पूरे जो तिल है वो हल्के से क्रश हो जाए। हमें पाउडर नहीं बनाना है, हमें बस हल्का सा तिल को थोड़ा सा तोड़ना है, तो बस ये करें आप। अब हम ये दूसरा जो बचा हुआ है वो भी सारा हल्का सा दरदरा कर लेंगे इसको भी। अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी, हल्का सा घी डालेंगे, उसमें से थोड़ा सा घी वापस निकाल के हम जो हमारी जो प्लेट होगी जिसमें कि हम ये जमाएंगे उसमें हम इसको ग्रीस कर देंगे, क्योंकि सर्दी के टाइम पे क्या घी जमा हुआ होता है तो हम इसे यहाँ पिघल जाएगा, तो हम उससे हम प्लेट भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो हमने थोड़ा सा ये घी डाला है। इसके बाद हम ये जो हमने गुड़ लिया है, जो जैगरी ली है, अब उसे हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो ये टोटली वैसे तो सब लोग 3x3 मतलब हाफ हाफ लेते हैं दोनों चीज़ें, बट मुझे क्या पर्सनली गुड़ थोड़ा कम अच्छा लगता है इस तिल्ली की चिक्की में या जो लड्डू होते हैं उनमें, तो इसलिए मैं ना गुड़ कम प्रेफर करती हूँ। अगर आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर 2 कटोरी अगर आपने गुड़ लिया है तो आप 2.5 कटोरी आप तिल ले सकते, तो भी आपके जो तिल की चिक्की है या तिल के जो लड्डू है वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है कि हमें इसको पिघलाना है गुड़ को, और इसमें जल ना जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि गुड़ जलेगा भी नहीं, और हमें इसे कहीं ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें सिर्फ इसको पिघलाना है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला जो बनता है ना वो बन जाएगा, जो हमें दांतों से खाया भी नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ थोड़ा सा पिघलाना है। अब इसमें देखो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे,
बस अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। सारे जो गुड़ के अंदर जितनी भी ये जो गुठलियाँ हैं वो सारी हम हटा देंगे। अब हम इस स्टेज पे ही डाल देंगे जो हमने ये इलायची का पाउडर बनाया है, वही हम इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे। जब हम जो इलायची होती है उसको हाथों हाथ कूट के या पाउडर बना के डालते हैं तो उसकी खुशबू थोड़ी और अच्छी आती है, इसीलिए आप हमेशा ऐसे कोशिश करें कि आप हाथों हाथ ही उसे अच्छे से पाउडर बनाएं। अब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, देखिए इसमें एक भी गुठली नहीं बची है, बस यही हमें स्टेज चाहिए। जब ये अच्छे से पिघल जाए और हल्का सा पक जाए देन हम इसमें थोड़ा 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 करके तिल डालेंगे। अगर आप एक साथ डाल दोगे तो आप हिला नहीं पाओगे ढंग से, तो आप पहले थोड़ा सा डालें, उसको अच्छे से मिक्स करें, देन आप और डालें। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिलाए जाएंगे। एक साथ डालने पे क्या होता है, हम इसे ढंग से हिला नहीं पाते हैं, और मुझे क्या थोड़ा गुड़ कम अच्छा लगता है, तो जब गुड़ कम होता है तो थोड़ा हिलाना मुश्किल होता है। तो अगर आप बराबर क्वांटिटी में डालोगे तो आप एक साथ डाल सकते हो, तो आपको हिलाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अब हमने ये दोनों प्लेट ग्रीस कर ली है, अब हम इन पे जल्दी से गरम गरम को हमें जल्दी से निकालना है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हमें इसको बहुत जल्दी से गरम गरम को ही दोनों प्लेट्स पे हमें ये सारे मिक्सचर को निकालना है। अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो आप हमेशा गीले हाथ करके देन अगर आप लड्डू बनाएंगे तो इनके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। बट मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा मतलब मुझे लड्डू थोड़े कम पसंद आते हैं और इसमें मैं गुड़ कम यूज़ करती हूँ, तो इसके प्रॉपर लड्डू नहीं बन पाते, इसकी चिक्की अच्छी जम जाती है। तो मैं इसकी चिक्की जमाऊँगी दोनों प्लेट्स में। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप एक पहले इसको अच्छे से फैला दें, देन एक कटोरी लें, आप बेलन भी ले सकते हो, आप कटोरी भी ले सकते हो, तो कटोरी के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा सा पानी लगा के और इसको अच्छे से हम दबाएंगे तो इस चिक्की बहुत अच्छी मतलब बिल्कुल वो हो जाएगी, आपकी समतल हो जाएगी, मतलब एक लेवल में आ जाएगी। तो अब देखिए हमने एक कटोरी ले ली है, पहले मैंने इसमें घी लगाया था, बट घी क्या थोड़ी देर के अंदर फिर मतलब वो होने लग जाता है पूरा, मतलब जो तिल्ली होती है वो सारा घी सोख लेती है। तो आप है ना इसमें पानी का यूज़ भी कर सकते हो, तो हल्की सी कटोरी को गीली, दोबारा पर मैंने कटोरी को गीला किया था देन उसको ऐसे प्रेस करने लगी थी, तो वो आसानी से आपकी जो तिल की चिक्की है वो आसानी से जम जाएगी। ये देखिए इस तरीके से अगर आप जमाएंगे तो बहुत अच्छे से जम जाएगी। जब हम तिल को पीस के ये बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकती है, और जब हम गुड़ भी कम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा नहीं चिपकती। जब हम बराबर क्वांटिटी में गुड़ और तिल्ली यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो उसके लड्डू तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन उसकी चिक्की अच्छी नहीं बनती। तो ये हमारा अब ये जम चुका है, तो अब इस स्टेज के ऊपर इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, देन हम इसके कट लगाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार ये प्रॉपर तरीके से ठंडी हो गई उसके बाद इसमें कट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें पहले कट लगा लें दोनों ही में और देन इसको थोड़ी देर के लिए और ठंडा होने दें। इसको बीच में बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छेड़ेंगे तो ये बिखर जाएगी। तो आपको क्या करना है कि क्योंकि हमने गुड़ कम यूज़ किया है तो आपको क्या करना है कि तो हम इसे हल्का सा ठंडा होते के बाद इसे कट कर लेंगे। तो तैयार है हमारी तिल की चिक्की या तिल पट्टी जो भी आप बोलते हो, तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद इसे पीसेस को हम निकाल लेंगे, गरम गरम में बिल्कुल पीसेस ना निकालें, ठंडे होने के बाद ही इसकी पीसेस निकालें। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देन बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।